सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिषा मान नामक राजा राज्य करता था। उसका बेटा बड़ा दुराचारी था, मांस मदिरा खाता, वैश्याओं के साथ गमन करता। पिता ने उसे राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे वह भगवान को भी प्रिय है, सभी देवताओं को प्रिय है। उस वृक्ष के सहारे वह लुम्बक रहने लगा। फिर भी वह ना सुधरा। पिता के राज्य में चोरी करता, पुलिस पकड़कर उसे छोड़ देती। एक दिन पोष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी की रात्रि को उसने काफ़ी लूटचार की। पुलिस ने उसके वस्त्र उतार कर वन में भेज दिया। पीपल के वृक्ष में आकर उसने शरण ली। पर्वतों की पवन से उसका शरीर अकड़ गया, उसके हाथ पैर अकड़ गए, उसके शरीर में गठिया के रोग ने प्रवेश कर लिया। सूर्य उदय होने पर उसका दर्द कुछ कम हुआ, लेकिन पेट की अग्नि जलाने लगी। जीवों को मारने में भी आज वह असमर्थ था। वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी, इसीलिए उसने वृक्ष के नीचे गिरे हुए फलों को बीन लिया और पीपल की जड़ में रख कर कहा, हे प्रभु, आप इन फलों का भोग लगाएं। जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा और इस कष्ट भरे जीवन से मुझे मौत मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह प्रभु के ध्यान में मगन हो गया। रात को नींद नहीं आई, भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने उसके फलों का भोग नहीं लगाया। सुबह एक दिव्य अश्व आकाश से उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई, नारायण कहने लगे, तुमने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। इसके प्रभाव से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। जैसे अग्नि को जाने और अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही भूल कर भी एकादशी रखने से अपना प्रभाव दिखाई देता है। अब इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जा, तुम्हें राज्य मिलेगा। सफला एकादशी सभी सफलता देने वाली है। प्रभु की आज्ञा मानकर लुम्बक पिता के पास गया। पिता ने उसे राजगद्दी पर बिठाकर अपने आप वन में तपस्या के लिए चले गए। लुम्बक के राज्य में प्रजा एकादशी का व्रत विधि विधान से करने लगी। सफला एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, सफला एकादशी का व्रत करने से चारों तरफ सफलता ही सफलता मिलती है। महासफलता देने वाली सफलता एकादशी की हार्दिक बधाई। अगर आपको यह जानकारी और कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।